कोरोना संकट के दौर में जनजीवन अस्त व्यस्त है, इसमें स्कूल बंद रहने से सबसे अधिक प्रभावित छात्र हो रहे हैं। सरकार की ओर से छात्रों के लिए डीजी के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की गई, लेकिन स्मार्टफोन और नेटवर्क की समस्या से दुमका के दूर दराज के इलाकों में ये कारगर साबित नहीं हो रही और ऐसे में जरमुंडी प्रखंड के उत्क्रमित मध्य विद्यालय डुमरथप के शिक्षकों ने पढ़ाई का अनोखा तरीका निकाला है। यहाँ की दीवारों पर ब्लैक बोर्ड बनाया गया है जहाँ बैठकर छात्र पढ़ाई करते हैं और इस दौरान कोई समस्या होने पर वे ब्लैक बोर्ड पर उसे लिखते हैं, इसका समाधान शिक्षक तुरंत करते हैं। हम लोग स्कूल में नहीं जाते हैं और किसी बीमारी है इसीलिए हम लोग गांव में पढ़ते हैं। ब्लैक बोर्ड बनाए गांव वाला हम लोग का मदद किए हैं हम लोग भी, और सर को हम कॉपी छूने भी नहीं देते, सर छूते भी नहीं। जो समस्या होते हैं हम लोगों को ब्लैक बोर्ड में लिख देते हैं, सर हम लोगों को बता देते हैं आकर। इस तरह पढ़ने में मतलब मजा आ रहा है? यस सर। काफी कम लोगों के पास एंड्रॉइड फोन मोबाइल है जिस कारण जो है डीजी साथ कार्यक्रम हमारे यहाँ चाहते हुए भी इसको हम अच्छी तरीके से नहीं चला पा रहे थे, तो हमने इसको सोचा क्यों नहीं बच्चे अपने द्वार पर ही इसका पढ़ाई करें, तो उसी का एक परिणाम है कि शिक्षा आपके द्वार समुदाय के साथ। कोरोना संकट के दौर में लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त है, सबसे ज्यादा परेशान छात्र हैं क्योंकि कोरोना ने विद्यालय में ताला जड़ दिया है। आज हम अभी खड़े हैं दुमका जिला के जरमुंडी प्रखंड के डुमरथर गांव में और आपको नजारा दिखाना चाहेंगे। जब कोरोना ने जब विद्यालय में ताला जड़ा तो पूरा गली मोहल्ला ही पाठशाला बन गया। ग्रामीणों की मदद से विद्यालय के शिक्षक और छात्रों ने जिस दलान पर बैठकर समय बिताया करते थे ग्रामीण, आज वहीं पर जो है ब्लैक बोर्ड बना हुआ है और लगभग 100 से ज्यादा ब्लैक बोर्ड है और सभी ब्लैक बोर्ड अलग अलग छात्र के हैं। प्रतिदिन निर्धारित समय पर छात्र यहाँ आते हैं, बैठते हैं और जो उनको समझ में नहीं आता है छात्र जो है ब्लैक बोर्ड पर वो सवाल लिखते हैं और शिक्षक वहाँ जाकर उन बच्चों को समझाते हैं। वैसे तो यह कार्यक्रम सरकार के द्वारा शुरू की गई थी डीजी साथ, लेकिन उसमें जो सबसे व्यवहारिक परेशानी आ रही थी वह स्मार्टफोन और नेटवर्किंग की, और यह गांव भी काफी सुदूरवर्ती इलाका है जो इन समस्याओं से जूझना पड़ता था। इस समस्या के समाधान के लिए ग्रामीणों के मदद से विद्यालय के द्वारा जो यह प्रयास शुरू किया गया है यह काफी सराहनीय है और निश्चित रूप से यह उम्मीद की जानी चाहिए कि कोरोना संकट के बावजूद यहाँ के बच्चे पढ़ लिख कर अपना भविष्य संवार सकें। पंचम कुमार झा, न्यूज 18, दुमका।